This conference will now be recorded. मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के लास्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस पूरी ट्रेनिंग में जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया, कोई क्वेश्चन रह गया, आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। जो लास्ट लेक्चर होता है वैसे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, जो 3-3.5 महीने गुजरे होते हैं, तो उसके बाद जब लेक्चर इख्तिताम हो रहा होता है और आप लोगों को एक स्टेप आप लोग आगे चल पड़ते हो, आप लोग जो है वो अपने प्रोफेशनल कैरियर की तरफ चल पड़ते हो, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं जो इमोशनली अटैच होते हैं, जो सवाल पूछ रहे होते हैं, वो जो एक सिलसिलाकार होता है ना, वो जब एंड हो रहा होता है तो मेरे लिए आखिरी लेक्चर देना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है। आप लोगों को लास्ट जो लेक्चर था, सेकंड लास्ट जो बेसिकली लेक्चर था इस सेशन का, उसमें आप लोगों को बता रहा था कि हमारी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। जब हम अपनी वेबसाइट की ऑडिट, वेबसाइट को ऑडिट करते हैं, ऐसे SEO ऑडिट भी बोलते हैं, कि अगर हमारी वेबसाइट में 404 नॉट फाउंड पेजेस होंगे तो उससे क्या नुकसान होता है। बेसिकली ये हमारी वेबसाइट जो है वो उसकी रैंकिंग डाउन होना शुरू हो जाती है। और मैंने ये भी बताया था कि हमारा कंपेटिटर किस तरह जो है वो 404 नॉट फाउंड पेजेस बनाता है, तो उससे बचने के लिए फिर आपको, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारा SEO का प्लगइन है वो जो है हमारी वेबसाइट को 404 नॉट फाउंड पेजेस के इशू से बाहर निकालता है, इसलिए हमने वो किया। इंटरनल लिंकिंग, आपने अपने हर आर्टिकल की इंटरनल लिंकिंग देखनी है कि वो प्रॉपर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि 10 आर्टिकल आपने पब्लिश कर दिए, तो हर आर्टिकल से 2-3 पेजेस को आपने लिंक देते जाना है। और जब आपकी वेबसाइट में 40-50 आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके होंगे तो कम से कम 4-5 पेजेस को आपने और कैटेगरियों को आपने इंटरनल लिंकिंग उनकी हर आर्टिकल में करनी है, ताकि जो आपकी वेबसाइट है उसको आप एक पेज की तरफ आप लिंक बनाओगे तो वो जो, क्योंकि इंटरनल लिंकिंग हुई होगी तो जो मजीद पेजेस होंगे उनकी तरफ भी उसकी जो पावर है, ताकत है, वो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इसको एक बोला जाता है साइलो स्ट्रक्चर। साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली साइलो स्ट्रक्चर में यही होता है कि हम जो है अपनी वेबसाइट का एक खाका बना लेते हैं, ठीक है। खाका बनाने के बाद हमारी वेबसाइट का ये मतलब हमारी में, फॉर एग्जाम्पल हम पब्लिश करते हैं टोटल जो पहले 2 आर्टिकल्स होंगे ना, वो उनके सर्चेज ज्यादा होंगी, उनको हम टॉप पे रखेंगे, लाइक रहेंगे साइलो 1 साइलो 2, ठीक है। उसके बाद मजीद जो आर्टिकल्स होंगे वो हम पब्लिश करते जाएंगे और क्या करेंगे, जो साइलो 1 होगा उस से होम पेज को भी लिंक जा रहा होगा और उससे एक थर्ड आर्टिकल को लिंक जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है इसमें साइलो स्ट्रक्चर में हर बंदे ने अपने हिसाब से सेटिंग की हुई। मैं एग्जांपल, ये सबसे आसान है, फॉर एग्जांपल हमारा होम पेज है, होम पेज में हमने फॉर एग्जांपल 3 आर्टिकल मेन रख लिए, एग्जांपल है, उस से लिंक मिलेगा होम पेज को और उससे लिंक मिलेगा सेकंड आर्टिकल को, सेकंड आर्टिकल से लिंक मिलेगा फर्स्ट आर्टिकल को और सेकंड आर्टिकल से लिंक देंगे हम थर्ड पेज को। इस तरह क्या इसको क्या बोलते हैं, साइलो स्ट्रक्चर। साइलो स्ट्रक्चर
कि एसईओ में बहुत ज्यादा अहमियत है, और जैसे इंटरनल लिंकिंग आप लोगों को बताइए, आप इंटरनल लिंकिंग करते हो वो ऑटोमेटिकली सिलो स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, और स्टाइलो स्ट्रक्चर की वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो एक उसकी वजह जो है वो हमारा आर्टिकल जो हमने वहां पर आर्टिकल के मजीद वो रैंक होता है, जैसे वहां पर मजीद हमने इंटरव्यू पेजेस को लिंक दिया तो वो करना बड़ी यकीन आना शुरू होते हैं। ये बेसिकली साइलो स्ट्रक्चर की खूबसूरती है। साइलो स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक तो इंटरनल लिंकिंग, दूसरा यार का जो प्लगइन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था वो रिलेटेड पोस्ट प्लगइन, वो आप लोगों ने करना है। तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है कि हमारी वेबसाइट के जो इंटरनल पेजेस हैं वो शो होने लग जाते हैं और वो रैंकिंग हमारी वेबसाइट की बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपने जो अपनी वेबसाइट बनानी होती है उसमें सोशल मीडिया अकाउंट हर वेबसाइट का आपने बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप एडसेंस पे काम कर रहे हो तो सोशल मीडिया विजिबिलिटी बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया प्रोफाइल या इसको ये कह सकते हो कि सोशल मीडिया के अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वरना हमारी वेबसाइट फेक लगती है जब हम सोशल मीडिया के अकाउंट्स नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल मैंने imfizan.com बनाई हुई है, अगर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, अगर मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, अगर मैं पिनिंटरेस्ट पे नहीं हूँ, तो ऐसा सर्च इंजन के नजरों में ऐसा होता है कि ये वेबसाइट जो है फेक है, ये वेबसाइट सोशल मीडिया पे अवेलेबल ही नहीं है। तो ये ध्यान में रखना कि जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उनको फाइंड आउट करना, देन उनको फिक्स करना ही ऑडिट कहलाता है, एसईओ ऑडिट बेसिकली कहलाता है। सोशल शेयरिंग बहुत जरूरी है, हमारी हर आर्टिकल की रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया पे शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बैक लिंक्स को टाइम टू टाइम हमने चेक करना है, हर दूसरे तीसरे दिन, हफ्ता 10 दिन चेक करना बहुत जरूरी होता है बेसिकली, कि आया कि हमारी वेबसाइट की तरफ जो बैक लिंक्स आ रहे हैं हमने खुद बनाए हैं तो वो वाले इंडेक्स हो रहे हैं या किसी और ने तो नहीं बना दिए, हमारे कंपेटिटर ने तो नहीं बना दिए, या किसी ने हमारी वेबसाइट को अगर रेफरेंस दिया भी है तो वो वेबसाइट कोई स्पैमी तो नहीं है, वो कोई अथॉरिटी की साइट है या क्वालिटी की साइट है एटलीस्ट इस चीज का। और या